हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टुडेज वर्क जीके। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या सीखेंगे? पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आज हम अपने बॉडी के पार्ट्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे। आज सबको मालूम तो है, लेकिन वापस हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं। नोज, पाम, टीथ, टंग, थंब, ear, hand, leg, eyes, elbow, nails, foot, finger and hair। तो चलो स्टूडेंट्स, अभी हम वापिस वन टाइम वापिस ओरल करें। nose, palm, teeth, tongue, thumb, ear, hand, leg, eyes, elbow, nails, foot, finger and hair। तो स्टूडेंट्स, अभी हम जो बॉडी पार्ट्स के बारे में सीखे, हम उसका थोड़ा क्लीनिंग क्लीन के बारे में भी सीख लेते हैं। थिंक वी यूज टू क्लीन अवर बॉडी पार्ट्स। तो चलो अभी हम इसके बारे में थोड़ा सीखे। आइस वाटर, आप अपना फेस वॉश किससे करते हो? वाटर से वॉश करते हो ना? सब अपनी आइस वाटर से वॉश करते हो ना? आइस वाटर। टीथ ब्रश, तो स्टूडेंट्स आप सब लोग मॉर्निंग में उठ के पहले अपने टीथ को ब्रश करते हो ना, टूथ ब्रश करते हो ना सब, और सब सोने से पहले भी टूथ ब्रश करते हो ना। टीथ ब्रश। ईयर बड, तो स्टूडेंट्स आप लोग अपने ईयर्स किससे साफ करते हो, किससे क्लीन करते हो? बड से क्लीन करते हो ना, तो इसे क्या कहते हैं? ईयर बड्स। आप अपने ईयर्स किससे क्लीन करते हो? बड से। नोज, नोज हैंडकरचीफ, तो आप अपना नोज किससे साफ करते हो? रूमाल से सब करते हो ना अपना नोज साफ। नेल, नेल कटर, तो स्टूडेंट्स आप अपने नेल्स किससे कट करते हो? नेल कटर से आप अपने नेल्स को कट करते हो ना। नेल, नेल कटर। टंग, टंग क्लीनर, आप अपने टंग को किससे साफ करते हो, क्लीन करते हो? टंग क्लीनर से आप अपने टंग को क्लीन करते हो ना। टंग, टंग क्लीनर। हेयर कॉम, आप अपने हेयर किससे बनाते हो? आपको जब मम्मी रेडी करती है तो आपके हेयर कॉम से बनाती है ना मम्मा? हेयर कॉम। हैंड, लेग, नेपकिन्स, तो आप जब अपने हैंड और लेग वॉश करते हो तो आप किससे साफ करते हो? अपने हैंड और लेग्स नेपकिन से साफ करते हो ना। हैंड, लेग, नेपकिन। तो चलो स्टूडेंट्स, जैसे हमने आगे बॉडी पार्ट्स और बॉडी पार्ट्स क्लीनिंग के बारे में सीखा, अभी हम उसका थोड़ा कन्वर्जेशन करते हैं। तो चलो कन्वर्जेशन स्टार्ट करें, उसके रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द माउथ? द फंक्शन ऑफ द माउथ इज टू ईट, आप अपने मुंह से क्या करते हो? खाना खाते हो ना। हाउ डू यू स्मेल? आई स्मेल विथ माई नोज, आप नोज से सब स्मेल लेते हो ना। मम्मी जो टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है उसकी आप सब लोगों को स्मेल आती है ना, तो क्या कहते हैं इसको? आई स्मेल विथ माई नोज। हाउ डू यू टेस्ट? आई टेस्ट विथ माई टंग, आप जो खाना खाते हो उसका टेस्ट आपको कहाँ से आता है? टंग से आता है ना, कि मम्मी ने कैसा खाना बनाया है, स्पाइसी, सॉल्टी, स्वीट, टेस्टी, इससे आपको पता चलता है ना, टंग। हाउ डू यू वॉक? आई वॉक विथ माई लेग्स, आप किससे चलते हो? अपने लेग्स से चलते हो ना। हाउ मैनी आईज डू यू हैव? आई हैव टू आईज, कितनी आईज होती है स्टूडेंट्स? टू आईज। हाउ डू यू हियर? आई हियर विथ माई ईयर, आप जो टीचर्स आपको स्कूल में पढ़ाती है, मम्मी पापा घर पे कुछ कहते हो तो आप किससे सुनते हो? अपने ईयर से सुनते हो ना। हाउ डू यू कट योर नेल्स? आई कट माई नेल्स विथ नेल कटर, आप अपने नेल्स किससे कट करते हो स्टूडेंट्स? नेल कटर से आप अपने नेल्स को कट करते हो ना। तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम उसके रिलेटेड थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। मेक द पेयर,
विच पिक्चर इज दिस? नेल। तो हम नेल्स किससे कट करते हैं? नेल कटर से। तो नेल को हम नेल कटर के साथ मैच करेंगे। विच पिक्चर इज दिस? टंग। तो हम टंग को किससे क्लीन करते हैं? टंग क्लीनर से। तो टंग को हम टंग क्लीनर के साथ मैच करेंगे। विच पिक्चर इज दिस? नोज। तो नोज हम किससे साफ करते हैं? हैंकरचीफ, रुमाल से साफ करते हैं। तो चलो नोज को हम मैच करते हैं। विच पिक्चर इज दिस? ईयर। तो ईयर को हम किससे साफ करते हैं? बर्ड्स से। तो ईयर को हम बर्ड्स के साथ मैच करेंगे। किससे क्लीन करते हैं? बर्ड से। हेयर, हेयर किससे हम बनाते हैं? कॉम से। तो हेयर को हम कॉम के साथ मैच करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, आज हमने कितनी अच्छी तरीके से बॉडी पार्ट्स के बारे में सीखा।